हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हिमालय की तराई वाले क्षेत्र में स्थित कुशीनगर का इतिहास अत्यंत ही प्राचीन व गौरवशाली है। सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह स्थल काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह स्थान त्रेता युग में बहुत महत्वपूर्ण था। यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पुत्र कुश की राजधानी थी, जिसके चलते इसे कुशावती के नाम से जाना जाता है। कुशीनगर का कोड़ार कहे जाने वाले एक सूर्य मंदिर में सूर्य प्रतिमा की कथा सुदामा नामक व्यक्ति से जुड़ी हुई है। परिवार के कुछ लोगों के आकस्मिक निधन से परेशान सुदामा शर्मा जी ने रात में स्वप्न देखा और स्वप्न में देखे गए स्थान की खुदाई नीलमणि पत्थर की दो खंडित प्रतिमाएं मिली। और इतिहासकारों ने बताया कि इनमें मिली दो मूर्तियां गुप्तकालीन हैं, एक प्रतिमा सूर्यदेव की है। अब यहाँ एक अच्छा मंदिर बन चुका है। मंदिर के बाहर से भी श्रद्धालु आते हैं और इसका परिसर श्रद्धालुओं से भरा रहता है। इस मूर्ति की विशेषता यह है कि सूर्य के उगने के साथ ही मूर्ति की चमक बढ़ती है और दोपहर बाद मूर्ति की चमक मध्यम पड़ने लगती है। कुशीनगर के पनियाहवा में गंडक नदी पर बना पुल काफ़ी रोचक लगता है। कुशीनगर का सबसे बड़ा गाँव खिरकिया में भी भव्य मंदिर है, जहाँ श्रद्धालु की भीड़ रहती है। ग्राम जंगल अमुआ के समीप मुसहर टोली में बना रामायण काल का के अनुरूप पार्क भी देखने योग्य है। इस जिले में शिक्षा का स्तर काफ़ी गतिमान है। कुशीनगर को एक सनातन धर्म से निकले हुए अनेक मत पंथों के उत्सव का केंद्र कह सकते हैं, जो प्राचीन काल से ही यहाँ स्थानीयता से एकाकार होकर स्वयं भी प्रभावित हुई और उनको भी प्रभावित किया। इसीलिए यहाँ की संस्कृति में भारतीयता के स्थायी भाव के साथ साथ व्यापक वैविध्य भी दिखता है। कुशीनगर कृषि प्रधान जनपद है। एकता में विविधता यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों विशेषताओं का मुख्य आधार है। यहाँ पर क्रियाशील लोकरंग सांस्कृतिक समीप विगत कई वर्षों से लोक संस्कृतियों के अलावा अन्वेषण संवर्धन संरक्षण की दिशा में कार्य हो रहा है। किसी भी समाज की लोक संस्कृति कला और संगीत उसके मानवीय संवेदनाओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुशीनगर का लोकगीत नृत्य पूर्वांचल के देवी गीत हुड़का पखावज नृत्य विविध लोकगीत नुक्कड़ नाटकों को एक मंच पर लाया गया है और काफ़ी हद तक यह सफलता भी मिली है। सन 2009 के लोकरंग में चैता बिरहा जोगीरा कहरवा कजरी कबीर निर्गुण गायकी एक तारावादन जांगिया धोबियाऊ आदि लोकगीत नाटकों का मंचन हुआ। पंवरिया पखावा झुड़का हिरऊ नृत्य छत्तीसगढ़ी लोकगीत बुंदेलखंडी अचरी ब्रिजवासी सुरी फाग अलह गायकी को स्थान दिया गया। उसे कुशीनगर के सांस्कृतिक विरासत में समाहित किया गया। मौर्य काल में कुशीनगर की उन्नति विशेष रूप से हुई, किंतु उत्तर मौर्य काल में इस नगर की महत्ता कम हो गई। गुप्त युग में इस नगर ने फिर अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त किया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में यहाँ अनेक विहारों और मंदिरों का निर्माण हुआ। गुप्त शासकों ने यहाँ जीर्णोद्धार के कार्य भी कराए। खुदाई से प्राप्त लेखों से ज्ञात होता है कि कुमार गुप्त प्रथम के समय हरिबल नामक बौद्ध भिक्षु ने भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण अवस्था की एक विशाल मूर्ति की स्थापना की और उसने महापरिनिर्वाण स्तूप का जीर्णोद्धार कर उसे ऊँचा भी किया। स्तूप के गर्भ में एक तांबे के घड़े में भगवान की अष्टधातु तथा कुछ मुद्राएं रखकर एक अभिलिखित ताम्रपट से ढककर स्थापित किया गया था। कुशीनगर के उत्तर पूर्वी कोने पर सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया एक स्तूप है। यहाँ ईंटों पर एक विहार है जिसके भीतर भगवान के परिनिर्वाण की एक मूर्ति बनी हुई है। सोते हुए पुरुष के समान उत्तर दिशा में सिर करके भगवान लेटे हुए हैं। इसके आगे एक स्तंभ है जिस पर तथागत के निर्वाण का इतिहास है। 11वीं-12वीं शताब्दी में कलचुरी तथा पाल नरेशों ने इस नगर की उन्नति के लिए पुनः प्रयास किया, जो कि माथा बाबा की खुदाई में प्राप्त काले रंग के पत्थर की मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख से ध्वनित होता है। यहाँ धरती के अंदर से लगभग 1500 वर्ष पुराना बुद्ध का चित्र खोज निकाला।
उसके बाद यह स्थान प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल बन गया। ईशापुर तीसरी शताब्दी से पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि कुशीनगर में एक प्राचीन तीर्थ स्थल था। उपरोक्त तथ्य एवं प्रमाण कुशीनगर के सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक मूल्यों एवं विशेषताओं का ही केवल प्रकटीकरण नहीं करते, बल्कि इसके पर्यटन के कारण आर्थिक एवं संसाधनगत विशेषताओं के भी मूल्य एवं महत्व का पता चलता है। कुशीनगर में वर्ष 1876 में अंग्रेज पुरातत्वविद ए. कनिंघम ने यहाँ पुरातात्विक खुदाई कराया था। इसके बाद सी.एल. कार्लाइल और इसके बाद जे.पी.एच. बोगल की देखरेख में भी खुदाई हुई और बुद्ध धर्म से संबंधित अनेक वस्तुएं प्राप्त हुईं। गौतम बुद्ध के सैकड़ों वर्ष पूर्व वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह स्थान त्रेता युग में आबाद था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पुत्र कुश की राजधानी थी और यह कुशावती के नाम से जाना जाता था। पाली साहित्य के ग्रंथ में त्रिपिटक के अनुसार बौद्ध काल में यह षोडश जनपदों में से एक था, मल्ल राजाओं की राजधानी थी, तब इसे कुशीनारा के नाम से जाना जाता था। ईशापुर 6वीं शताब्दी के अंत में, ईशापुर 5वीं शताब्दी के आरंभ में गौतम बुद्ध का यहाँ आगमन हुआ था। कुशीनगर में ही उन्होंने अपना अंतिम उपदेश भी दिया और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। यहाँ एक और गणराज्य पावानगर भी था। यहाँ बौद्ध धर्म के समानांतर ही जैन धर्म का भी प्रभाव था। माना जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जो बुद्ध के ही समकालीन थे, ने पावानगर में परिनिर्वाण प्राप्त किया। कुशीनगर में गुप्त काल के भग्नावशेष आज भी बिखरे पड़े हैं। इनमें लगभग 1.5 दर्जन प्राचीन टीले हैं जिसे पुरातात्विक महत्व का मानते हुए संरक्षित किया गया है। उत्तर भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर इसी जिले के तुर्कपट्टी नामक गांव में स्थित है, जहां विपणन केंद्र तेजी से विकासमान है। भगवान सूर्य की प्रतिमा की खुदाई के दौरान ही यहाँ मिली थी, जो गुप्तकालीन मानी जाती है। इसके अलावा भी जनपद के विभिन्न भागों में प्रायः जमीन के नीचे से पुरातन निर्माण के अन्य अवशेष मिलते रहते हैं। कुशीनगर जनपद का जिला मुख्यालय पडरौना में स्थित है, जिसके नामकरण के संबंध में कहा जाता है कि भगवान राम के विवाह के उपरांत पत्नी सीता व अन्य सगे संबंधियों के साथ इसी रास्ते जनकपुर से अयोध्या लौटे थे, जिससे उनके पैरों से रमित धरती पहले पदरामा फिर पडरौना के नाम से जानी गई। जनकपुर से अयोध्या लौटने के लिए भगवान राम और उनके साथियों ने पडरौना से 10 किलोमीटर पूर्व से होकर बहरी बांसी नदी को पार किया था। आज भी बांसी नदी के स्थान को रामघाट के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष यहाँ भव्य मेला लगता है, जहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के लाखों श्रद्धालु आते हैं। बांसी नदी के इस घाट को स्थानीय लोग बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं, 100 काशी ने एक बांसी की कहावत बहुत प्रचलित है। मुगल काल में भी यह जनपद अपनी खासी पहचान रखता था और इसकी सांस्कृतिक विरासत मौजूद थी, जिसको अक्रंता स्थानीय जागरूकता के कारण भी नष्ट भी नहीं कर पाए। कुशीनगर का परिनिर्वाण मंदिर प्रत्यक्ष ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक विरासत का गुणगान करता हुआ दिखाई देता है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।